गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज साई सर विद योर इकोनॉमिक्स क्लासेस। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई थिंक यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, इन लास्ट पीरियड वी हैव रीड दैट कि हाउ टू कंट्रोल मनी बाय द RBI, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन दैट कि इट हैव टू मेथड्स, क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट एंड क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर डिस्क्राइब द होल इकोनॉमी, एंड द क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन सेलेक्टिव फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। दोनों में यही फर्क है। क्वांटिटिव मेथड में इकोनॉमी की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको ऑल सेक्टर्स में कंट्रोल किया जाता है, जबकि क्वांटिटिव मेथड्स के अंदर जो क्रेडिट प्रणाली को कंट्रोल करना है वो सिलेक्टिव सेक्टर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है। तो दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी टू सिलेक्टेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो क्रेडिट प्रणाली को कंट्रोल करते हैं, यानी RBI क्वांटिटिव मेथड के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल करता है क्रेडिट प्रणाली को, यानी मनी सप्लाई को, ये हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट जस्ट द सप्लाई ऑफ मनी। तो फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक्चुअल में मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मैं आपको एक देसी भाषा में समझा देता हूं। जब आप लोन लेते हैं किसी बैंक से, तो बैंक आपसे कुछ मॉर्गेज यानी कुछ गारंटी लेती है किसी चीज की। अगर आप मोर्टेज लेते हैं तो किस तरह से गारंटी लेती है उसकी, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको 1,00,000 रुपए का लोन लेना है बैंक से, तो बैंक आपको 1,20,000 की आपकी आपके जो हाउस है, आपकी जो मकान है, उसकी कीमत 1,20,000 है और आपको लोन ले रहे हैं आप 1,00,000 की, तो बैंक आपको 1,20,000 का आपकी जो है उसकी गारंटी ले रहा है, मोर्गेज जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बैंक को क्रेडिट कंट्रोल करना है, अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, तो क्या सीधी बात, इन्फ्लेशन है तो परचेजिंग पावर हाई है लोगों की और मुद्रा ज़्यादा है तो लोगों से एब्सॉर्ब करना है उसको, तो क्या करेगी, इस मॉर्गेज जो है, ये जो मार्जिन है रिक्वायरमेंट का, इसको बढ़ा देगी। ठीक है, क्योंकि मतलब तो यही होता है ना कि लोगों को पैसा कम देना, लोगों के पास जो पैसा उसको वापस लेना, तभी तो उनकी परचेजिंग पावर कम होगी और डिमांड कम करेंगे, तब वो सप्लाई और डिमांड इंटरेक्ट होंगे, तब जाके स्टेबिलिटी आएगी उसके अंदर। तो वो क्या करेगा उसके अंदर कि उसको बढ़ा दे। अब जब एक लाख का लोन लेना और उन्होंने बढ़ाकर 1,30,000 कर दी आपकी गारंटी, तो आप लोन नहीं लेंगे, बहुत कम लोग हैं जो ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और अगर उसको करना है कि लोगों को परचेजिंग पावर बढ़ाना है, तो इसको कम करके और भी मान लीजिए उन्होंने कर दिया 50,000 की गारंटी, दे दो आप 1,00,000 की लोन ले जाइए, तो ज़्यादा लोग लेंगे। तो इस तरह से आप कंट्रोल करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर टू फिक्शन ऑफ क्रेडिट, फिक्स्ड ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर अ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, यानी अलग अलग व्यापार के लिए लोन का जो सिस्टम होता है, RBI कमर्शियल्स बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप इस सेक्टर के लिए इतना लोन क्रेडिट करेंगे, इस सेक्टर के लिए इतना लोन क्रेडिट करेंगे, यानी उनका एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है और आप जो है बैंक, जो कमर्शियल्स बैंक है, उस कोटा से अधिक लोन नहीं दे सकते। इस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा हमारा पॉइंट है इसका मॉरल सस्टेंस, यानी बस एक नैतिकता के रूप में बैंकों से कहा जाता है कि भाई आप जो है ये सिचुएशन चल रही है और आप इसको लोन देना, जो आप कर रहे हैं परचेजिंग पावर को कम करना है, और अगर डिफ्लेशन है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए लोगों को लोन, तो वो नैतिकता के रूप के आधार पर
उसको वो कर देते हैं। तो क्वांटिटी जो मेथड था बेटा, इसमें कोई ज़्यादा तो पॉइंट थे नहीं, तीन ही पॉइंट थे। बाकी जो ज़्यादा आता है एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं, तो हमारा जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी ओवरऑल अगर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि हाउ टू कंट्रोल द क्रेडिट प्रणाली, तब आप दोनों को क्वांटिटी और क्वालिटी को लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप दोनों के पॉइंट को मिक्स करके लिख सकते हैं, या फिर दोनों को अगर आप पॉइंट नहीं लिखेंगे तो चाहे इसमें से आपने जैसे इसका पहला पॉइंट ले लिया मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसका ले लिया CRR, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जो है, टू मेथड्स हैं, क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होते हैं, बैंक दर होती है, रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, CR यानी कैश रिजर्व रेशियो होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। जबकि क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट होती है, और मॉरल सजेशंस होता है। तो ये था बेटा आपका इसको कंट्रोल, मनी को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से। तो ये लेसन आपका फिनिश हो गया, कल हम जूम पर लाइव होंगे एक दूसरे के साथ में, और जो इसके क्वेश्चन उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो एवरी स्टूडेंट शुड बी कनेक्टेड टू द जूम ऐप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।